राम गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलें चौपट। मुरादाबाद जिले के 3 तहसीलों जैसे तहसील मुरादाबाद व तहसील कांट व तहसील ठाकुरदूरा के क्षेत्र के किसानों की फसलें चौपट हो गई। कुछ गांव भी जैसे ग्राम बीबीपुर इस्लामनगर चटकाली आदि के मकान भी पानी की चपेट में है, लेकिन इन तहसील क्षेत्रों के किसानों की फसलें बर्बाद होने के कारण माथा ही पीटते रह गए, क्योंकि अधिकतर किसानों ने बैंकों से कर्ज लेकर खेती में लगाया था जो सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसे में किसान कैसे घर परिवार चलाए और कहां से बैंक का कर्ज अदा करे। किसानों की शासन से मांग है कि शासन हमारी खेती की मुआवजा दे और हमारा कर्ज माफ करे, ताकि हम अपनी और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आपका डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ नाम है, गांव पूरा मेरा, और ये है हमारे गांव में, गांव में घरों में पानी घुस गया, रामगंगा नदी का बाढ़ पूरी तरह भरी फुल हो रही है, इस टाइम खतरे से निशान से भी ऊपर हो रही है। और हमारे खेती में, हम खेती करते हैं, किसान लोग हैं, और हमने कर्जा पानी लेकर हमने साहब ये खेती में लगा दिया। अब हमारे लोन और गारंटी कार्ड के और जो मुआवजा लगान कहाँ से देंगे हम सरकार को, लिया जा हमारे तो सूचना आपसे लोगों से कि हमारी सरकार हमें किसान को गारंटी कार्ड माफ करा दे, लगान माफ करा दे और खेती का मुआवजा करा दे। हमारी जो है सरबती धान सारी पूंजी नष्ट हो गई है, लेकिन भी नष्ट हो गई है जी। शहरी कुछ भी ना बचा, कहाँ से दूंगा खाने, बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा, मैं तो परेशान हूँ। ढोर कुछ ना खा रहे, चारा भी बहुत खराब हो गया, पर गाय भी भूखी खड़ी है, दूध से भी परेशान है। कर्जा इतना ले लिया, फसल से देते हम कर्जा और लोन लिया, कर्जा लगा के खेती में लगा दिया, अब कुछ भी ना बचा, बाकी कुछ भी गन्ना भी सब खराब हो गया। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं हमारी सरकार, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, हमें कर्जे के को लोन माफ करा जा, लगान माफ करा जा और खेती का हमारा मुआवजा दिला जा,